सब्सक्राइब करें रेसिपीज बाय संध्या चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट रेसिपीज वीडियो पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाई संध्या डॉट कॉम में। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी पुआ। एक बार देख लेते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी सूजी पुआ बनाने के लिए। सूजी लिया था मैंने 250 ग्राम, 75 ग्राम चीनी लिया था। इसको आधे गिलास पानी में भिगो के आधे घंटे के लिए ढक के मैंने रख दिया था। ऑयल लेंगे फ्राई के लिए। किशमिश लिया है 25 ग्राम, 25 ग्राम बारीक कटा हुआ नारियल लिया है, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर है। किशमिश डाल लेंगे इसमें, कटा हुआ नारियल, इलायची पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी और डालेगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसको एक साइड रख लेंगे। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे गर्म होने के लिए। पुए का बैटर आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। कढ़ाई गर्म हो चुका है, ऑयल डाल लेंगे। ऑयल को अच्छे से गरम होने देंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, मैंने मीडियम साइज की कलछी ली है, एक कलछी इसमें डालेंगे। थोड़ा सा और डाल लेंगे, यानी कि डेढ़ कलछी, मीडियम साइज की कलछी से मैंने इसमें डेढ़ कलछी डाली है। इसको एक साइड से अच्छे से फ्राई होने देंगे, फिर इसको पलटेंगे। ये ऑयल के ऊपर तैरने लग गया है, इसको साइड से हल्का हल्का ऐसे दबाते रहेंगे तो ये अच्छे से फूल जाएगा। ऐसे करते हुए इसको आराम से पलट लेंगे। किनारों को ऐसे दबाते हुए फ्राई करेंगे ताकि अंदर कच्चा ना रह जाए। दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा गोल्डन होने लग गया है, तो इसको निकाल लेंगे। एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसको पलट लेंगे आराम से। अच्छे से फ्राई हो चुका है ये, इसको निकाल लेंगे। ऐसे ही करते हुए सारे रवा पुआ बना के तैयार कर लेंगे। सूजी का पुआ बनकर बिल्कुल रेडी है, काफ़ी टेस्टी बना है। आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे। और आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।